नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम है TV20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ के अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ कम दिख रही है, तो वहीं ग्रामीण अंचलों में चल रहे मेगा कैंप में भी लोगों की तादाद बहुत कम दिख रही है। ग्रामीण अंचलों में अभी भी वैक्सीनेशन से कुछ लोग वंचित रह गए हैं, जिन्हें मेगा कैंप द्वारा वैक्सीनेशन कराने का कार्य चल रहा है। जहां अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा दावा किया जा रहा है कि अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर जिले से मिले डाटा के अनुसार 78,000 से ऊपर लोगों का प्रथम डोज का वैक्सीनेशन कराया जा चुका है तथा दूसरी डोज 18,000 के आसपास लोगों को लगाई जा चुकी है। मेगा कैंप के द्वारा ग्रामीण अंचलों में 14,000 के आसपास लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस समय 200 से 250 लोगों का टीकाकरण प्रतिदिन किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र पर जांच लगातार की जा रही है। जांच के दौरान एंटीजन तथा RT-PCR दोनों तरह की जांच की जा रही है। क्या कुछ कहा शिवाजी डॉक्टर अधीक्षक पुलिस स्वास्थ्य अधीक्षक ने, आपको सुनवाते हैं। अपने अतरौलिया में अभी तक कितने वैक्सीन कोविशील्ड लगे हैं, इसके बारे में? अभी विगत पिछले हफ्ते जिले से हमको मिला था डाटा, तो 78,867 फर्स्ट डोज थी और सेकेंड डोज 18,000 समथिंग थी। कुल मिलाकर के 93,000 तक लगे करा लिए हैं। इस वक्त वैक्सीनेशन के लिए कम लोग आ रहे हैं, पर डे आपके CHS अस्पताल में कितने वैक्सीन लग रहे हैं आजकल? जैसे जब मेगा कैंप रहा था तो हम पिछले दो तीन दिन पहले जो मेगा कैंप था उसमें 1439 टीका लगा था। आज डेली पर दिन 250-270 ऐसे टीका लग रहा है। सर, ये आपके यहाँ कोविड की जाँच लगभग पेड़ कितनी हो रही है, क्या कोई पॉजिटिव निकल रहा है, क्या क्या इसके बारे में? नहीं, डेली हमारा जो भी OPD मरीज आते हैं लक्षणी, उनका हम RT-PCR और एंटीजन दोनों करते हैं। अभी तक तो कोई रिपोर्ट इधर पॉजिटिव नहीं मिला। सर, सरकार द्वारा 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की भी अनुमति मिल गई है, ये मार्केट में कब तक आएगी, कब तक आप लोग को मिलेगी, इसके बारे में? हम लोग भी वही पेपर के माध्यम से ही देख रहे हैं। WHO अप्रूव किया, लेकिन अभी इसमें 1-2 महीना तो लगेगा।